So 3.4, impact of media. You have seen the earlier session, the 20th impact of media on people. Okay, just a point has two sides. The impact of mass media also can be positive or negative. जैसे कि आपने देखा कि मास मीडिया का बहुत मतलब मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि इसे कॉइन को टू साइड्स होते हैं. वैसे मास मीडिया ये भी इसके भी दो इम्पैक्ट हुए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ और एक नेगेटिव भी हुआ. लेट्स सी सम ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट इन ऑफ मीडिया, इफेक्ट ऑफ मीडिया. अब पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? मीडिया प्रोवाइडेड न्यूज एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पीपल. ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ, प्रोवाइड न्यूज एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, मीडिया कैन एजुकेट द पब्लिक, ये एजुकेट भी करता है. मीडिया हेल्प्स अ डेमोक्रेसी फंक्शन इफेक्टिवली, दे इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में भी क्या करता है, इन्फॉर्म करता है. डेमोक्रेसी फंक्शन भी यूज होता है. प्रोग्राम्स एंड हाउ दिस प्रोग्राम्स कैन बी यूजफुल टू देम, दिस हेल्प्स द पीपल वॉइस देयर फीलिंग्स एंड हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक नेसेसरी चेंजेस इन देयर पॉलिसीज और पब्लिक. इसलिए ये भी जरूरी है. ठीक है, मतलब जो जो नए नए टर्म्स एंड पॉलिसीज जो बाहर आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो पब्लिक तक पहुंचाती है और इसकी वजह से पब्लिक इनका रिप्लाई देते हैं. ठीक है, इनकी एक इस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या फिर जो भी फ्रूटफुल है उनको जो पॉजिटिव साइड फील होता है पॉजिटिव, नेगेटिव होता है नेगेटिव, वो सब वापिस से गवर्नमेंट के सामने रखते हैं. सो इसकी वजह से इसमें कोई चेंजेस भी देखने मिलते हैं. नेगेटिव पार्ट देखें, द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द कंट्री इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द मास मीडिया. ट्रेडिशनल कल्चर के वजह से इसको बहुत ज्यादा, ट्रेडिशनल कल्चर हमारा है तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ मास मीडिया के वजह से. ठीक है, बिकॉज के हर एक चीज एडवांस जो आ रही है वो लोगों के सामने डायरेक्टली प्रेजेंट हो रही है. अब वो एडवांस चीज है और ट्रेडिशनली जो लोग रह रहे हैं उनको शायद ये चीजें एक्सेप्टेबल ना हो. समटाइम्स इट मे हैपेंस. ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर के वजह से ये इतना एडवांस जो चीजें डायरेक्टली मास मीडिया के थ्रू मिल रही है तो वो शायद उनको थोड़ा हर्ट फील हो सकता है. तो इस तरीके से इसका नेगेटिव पार्ट है. एंटरटेनमेंट हैज बिकम द मेन कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया, दिस अफेक्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पीपल. ठीक है, अब एंटरटेनमेंट बन गया है. ठीक है, बिकम अ मेन कंपोनेंट ऑफ मास मीडिया, ये इनका मेन कंपोनेंट है एंटरटेनमेंट. ठीक है, दिस इफेक्ट अफेक्ट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, इसकी वजह से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मीडिया था टू एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एजुकेट, वो समवेयर मतलब ज्यादा हुआ दिख रहा है और इंस्टेंट पे ये एंटरटेनमेंट का पार्ट बन गया है. मीडिया प्रमोट वायलेंस, अब इसके वजह से वायलेंस भी प्रमोट होता है. ठीक है, मीडिया ऐसा लग रहा है कि मीडिया लगता है ऐसा होता है लाइक बिकॉज ऑफ लाइक मीडिया इन्होंने जैसे बताया है ये वायलेंस क्रिएट करता है. ठीक है, स्टडीज हैव प्रूव दैट वायलेंस शोन ऑन द टेलीविजन एंड सिनेमा हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन. तो अब वो जो वायलेंस दिखाया है मीडिया ने सो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने मिल रहा है बच्चों पे. मास मीडिया प्रमोट द डिजायर इन द पीपल टू बाय ओन प्रोडक्ट दैट आर एडवर्टाइज्ड थ्रू द मीडिया बट विच मे नॉट बी इनिशियल फॉर देम. ठीक है, मास मीडिया प्रमोट भी करता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो डिजायर हो लोगों को वो परचेस करे. ठीक है, थ्रू द मीडिया बट विच मे नॉट बी इनिशियल, और वो शायद इनिशियल नहीं भी हो सकते हैं फॉर देम. इसके यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव पार्ट्स है. मीडिया कैन एंटरटेन पीपल, एंटरटेन भी करता है. मीडिया कैन एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन द डेवलपमेंट. अब डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसके बीच में ये एजेंट की तरह वर्क करता है मीडिया. मीडिया हैज ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू ईच अदर, इसकी वजह से वर्ल्ड क्या हो गया, क्लोजर हो गया है टू ईच अदर. मीडिया प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे मीडिया क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ट्रेड और इंडस्ट्रीज को. ठीक है, मीडिया कैन हेल्प द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी हेल्पफुल रहता है. मीडिया कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव सोशल चेंजेस, पॉजिटिव सोशल चेंजेस लाए जा सकते हैं. अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट कर पॉजिटिव सोशल चेंज हमें देखने मिल सकता है. राइट, लोग जैसे हम लोग देखें तो टीवी जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह देखकर मीडिया की वजह से लोगों को नई नई चीजें पता चलती है और वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो इसकी वजह से डेवलपमेंट आ रहा होता है.
So here we have completed this chapter also. Impact of media ethics. We have seen how powerful the mass media are. By their very nature, media and the media people, meaning journalists of the print media, radio and television, are quite powerful. So politicians, bureaucrats and the police look at them with apprehension. Generally, they do not want to be in the media if the reports are not in their favor. If the media people praise them, they are happy. So, by and large, people try to be friendly with the media. But for the media, this power comes with a tremendous responsibility. If they misuse that powers to do wrong things or trouble others, people will stop trusting them, like in any other profession. Like law or medicine, the media also need to have a code of ethics or guidelines on what is right or wrong. In the case of lawyers and doctors, they are the clear codes of ethics, and anyone who violates the code can be punished or removed from the profession. Right? जैसे कि हमने देखा है कि media वाले से हर एक person मतलब बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हमने देखी होगी कि जहां पे मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, राइट? कि मतलब सही अच्छी चीजें भी वो हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, गलत चीजें भी मतलब प्रेजेंट हो रही है, ठीक है. सो जो भी उस सीन का वो जो भी सिनेरियो चल रहा है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो या तो फिर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होगा दैट ही इज इन फ्रंट ऑफ मीडिया, ठीक है, कि उसको प्रेजेंट किया जा रहा है इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स, एक अगर उसने अच्छा काम किया है, और जो गलत काम करते हैं, राइट, जिसने भी गलत काम किया होगा और वो अगर मीडिया थ्रू उसको प्रेजेंट किया जा रहा होगा तो वो बेशक है कि वो उनसे डर रहा होगा, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट मीडिया के हर एक प्रोफेशन में ऐसा होता है कि उनके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है. वैसे तो इनके पास बहुत अच्छे अच्छे पावर्स होते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होते हैं जिनको ये यूज कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, और इनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि उन्हें वो कहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं, बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. वो जो भी चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज मीडिया पे हर एक कोई भरोसा करता है क्योंकि वो सही खबरें दिखा रहे होते हैं. अगर कुछ गलत प्रेजेंट किया उनके फायदे का सोचकर गलत प्रेजेंट कर रहे हैं, सो उनके ऊपर का ट्रस्ट जो है मीडिया के ऊपर का पब्लिक उसे छोड़ देते हैं, ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं. सो समवेयर वो उनके लिए लॉस होगा, ठीक है, अगर ऐसा होता है. जैसे इन्होंने बताया कि अगर उस कोड को फॉलो न किया जाए सो पनिश भी हो सकता है और रिमूव फ्रॉम द प्रोफेशन, उस प्रोफेशन में से निकाला भी जा सकता है. इन द केस ऑफ लॉयर्स एंड डॉक्टर्स देयर आर क्लियर कोड्स ऑफ एथिक्स एंड एनीवन हु वायलेट्स द कोड कैन बी पनिश्ड or removed from the profession. But in the case of the mass media, there are only a few guidelines and no restrict code of conduct. The Press Council of India is one of the organization which issues guidelines on media ethics. ठीक है, Press Council जो है वो क्या करते हैं कि guidelines issues करते हैं तो for the media ethics के लिए, ठीक है. So media एक ऐसा profession है, ठीक है, कि जो मतलब चीजें डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड करके देती है, राइट. सो क्या होता है कि पर्सन हु इज डूइंग अ गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स, वो अगर मीडिया के साथ आ रहा है, मीडिया के साथ मिलकर मतलब उसको मीडिया प्रेजेंट कर रही है सामने, सो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, वो उसके लिए फायदेमंद होगा, ही विल फील प्राउड फॉर दैट. और जो कुछ नेगेटिव कर रहा है तो बट ऑब्वियस है कि मतलब वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहेगा, ठीक है. मीडिया वालों के पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पावर्स होते हैं जिसका वो अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ अस, ठीक है. और अगर उसका मिसयूज होता है सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इट विल बी पनिशेबल, ठीक है, वो पनिश रहेगा कि उनके जो कोड्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है. उसे वायलेट करने वाले को क्या मिलेगा, पनिशमेंट होगी या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन. To keep the fair name of the profession, the media practitioners need to follow certain ethical code, which are listed below. कुछ तो ठीक है, अपने profession को continue करने के लिए इनके पास कुछ
कोड ऑफ कंडक्ट है, जो एथिकल कोड्स है, जैसे कि एक्यूरेसी. The information provided by the media person in the print media, radio, television and internet has to be accurate. And if incorrect or baseless information is given, it can be harm the interest of individual, institution and the country. For being accurate, media person have to verify the correctness of their fact. For example, if only 50 people have died in an accident, the media cannot give out the figure as 200 or 500. If a media person writes against anybody or accuses someone of dishonesty, that person should be given an opportunity to give his or her version of the story. एक्यूरेसी होना जरूरी है. वो जो भी डेटा प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो मीडिया मतलब मीडिया क्या है, जो लोगों के सामने हर एक चीज को प्रेजेंट कर रही होती है. अगर वो चीज गलत निकली सो इतने सारे लोग मिसगाइड होंगे, ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लोगों के इंटरेस्ट हार्म हो सकता है. इसलिए वो जो भी न्यूज दे रहे हो, ठीक है, वो चाहे इंटीजर्स में हो, ठीक है, किसी भी तरीके से, सो इट शुड बी एक्यूरेट, हमेशा परफेक्ट ही. अगर 50 लोग उसमें एक एक्सीडेंट में डेथ हुई है तो उनको 50 ही बताना है, ना कि वो 200 या 500 अपने हिसाब से उनको अच्छा लगे, मतलब उनके टीवी का अच्छा लगे, उनके चैनल का अच्छा लगे, इसलिए वो लोग ज्यादा होता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. जो भी एक्यूरेट आया है 50 तो 50 ही बताना है. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कि वो लोग एक्यूरेट, उनकी जो भी डेटा वो लोग प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो. सो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 4. Let's see. In your earlier lesson, you have learned that effective communication is a two-way process. So far, we have seen that the term communication suggests the use of different forms of media such as printed material, radio and television, so on. ठीक है, मतलब एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक परफेक्ट कम्युनिकेशन अगर हम लोग बोले, सो वो कैसा होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें we have seen that the terms communication suggest the uses of different forms of media. जैसे different forms of media, such as जैसे कि printed material हो, वो letters through, ठीक है, या फिर हम लोग जो chatting करते हैं, जो printed material two way communication वाला, या फिर radio वाला हो, जो one way होता है, ठीक है, वो two way नहीं होगा. So ये different types of जो sources हैं media के. You must also know that the communication is used as an empowerment tool. ये empowerment tool हम लोग इसको बोल सकते हैं. In other words, communication is used as a tool to facilitate the participants of people in a development activities. Participation of a people in development activities also. अब इसके वजह से because of proper communication, so ये क्या हो रहा है कि पब्लिक का डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेशन दिख रहा है. ऐसे सारे सोशल एक्टिविटीज करते हैं, या फिर डेवलपमेंट रिलेटेड बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट से भी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, जो उसमें पब्लिक उनकी साइड से ऐड होते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस इन दैट सिटी. नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर इनिशियल फॉर पीपल टू सक्सेसफुली रिपोज टू द अपॉर्चुनिटीज एंड respond to the opportunities and challenges of social, economic and technological changes. ठीक है, ये सब में हिस्सेदार पार्ट बनना, ठीक है, हिस्सा बनना हर एक एक्टिविटी का. सो बट टू बी यूजफुल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन मस्ट बी इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द पीपल. तो ये जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए हर एक पर्सन के साथ. सो उसको इस तरीके से एडवर्टाइज करना कि हर एक लोग तक उनकी बात पहुंचे. Millions of people in developing countries are excluded from a wide range of information and knowledge, with the rural poor in a particular remaining isolated from both traditional media and new information and communication technologies which would improve their life. तो हर एक एरिया में रहने वाले millions of people को क्या हो रहा है, ये उसमें पार्ट बनते हैं, कोई रह भी जाते हैं sometimes, कि वो सारी चीजें उन तक पहुंचती है तो उन्हें वो चीजें पता चलती है. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विच वुड इंप्रूव देयर लाइफ, और उसकी वजह से ये टेक्नोलॉजीज की वजह से क्या हो रहा है कि उन लोग की लाइफ भी इंप्रूव हो रही है, उन लोग की भी हर एक चीज के बारे में पता चलता है, हर एक नई नई पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, वो उसके फायदे मतलब ले सकते हैं, मतलब हर एक चीज को वो यूज कर सकते हैं, अपडेटेड रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, और वो इंप्रूव कर सकते हैं, उनकी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं. ठीक है,
In this lesson, we'll learn about the use of communication to promote development activities. Development activities को promote करते हुए सारी चीजों को हम लोग देखते हैं. Let's see. First topic 4.1 development communication. इसका definition. Here in development communication, you see that there are two words: development and communication. By now, you know what communication means. You have also learned that communication is a message understood or sharing of experience. Communication क्या है? एक message होता है जो understood करते हैं और उसको share करते हैं of experience. When we refer to communication in the context of development, we refer to the various types of communication like interpersonal, group and mass communication. Interpersonal होता है, group होता है और mass communication भी आ जाता है उसमें. Now let's try and understand the term development. It is not easy to define this as it depends on context. ये भी depend होता है context पे. Development is about change. Development क्या है? It's all about change. It is about changing for the better. ये किस related है? कि betterment के changes जो होते हैं वो changing for a better. सारी चीजों को change करना for the betterment. It would be about social or economic change for the improvement or progress. Socially या economically improve होना या progress होना. When we refer to the development communication, it is about such communication that can be used for the development. It is aisa communication jo development ke liye useful ho. It is about using communication to change or improve something. Kuch na kuch change karne ke liye ya fir kisi cheez ko improve karne ke liye. Here we use different types of messages to change the socio-economic conditions of the people. ठीक है. This message are designed to transform the behavior of people. इस message को इसलिए भी design किया जाता है to transform the behavior of the people or for improving of their quality of life या फिर उसकी life को improve करने के लिए. Therefore, development communication can be defined as the use of communication to promote development. Development को promote करती हुई चीजें. ठीक है. ये सारा का सारा जो development communication है वो इसलिए ही है कि क्या किसी ना किसी तरीके से डेवलपमेंट हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो, बिहेवियर ऑफ पीपल चेंज हो, चेंज देखने मिले, इंप्रूव देखने मिले, किसी ना किसी चीज में इंप्रूव और प्रोग्रेस हो सोशल और इकोनॉमिकली. डेवलपमेंट इज अबाउट चेंज. ये सारी की सारी चीजें क्या है? समवेयर किसी ना किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए ही बनी है. Those who write or produce program on issue related to the development are called development communicators. जो ऐसे programs करते हैं जो development से related हो उसको बोलते हैं development communicators. Let's see the role of development communicator. क्या role होते हैं? Development communicator plays a very significant role in explaining the development process to the common people in such a way that it finds acceptance. Development communication plays a very significant role in explaining the development process to the common people. इस तरीके से कि वो उस चीज को accept भी करे और उसको अपनाए भी. इस तरीके से ये सारी activity, ये सारे जो policies होते हैं उनको explain की जाती है. In order to achieve this objective, a development communicator क्या क्या करना चाहिए उसको? Objective of development communicator to achieve has to understand the process of development and communication. उसको क्या एक process to understand the process of development and communication. Should possess knowledge in a professional techniques. उस knowledge को professional techniques के basis पे and should know the audience और audience को भी जानना है. Prepare and distribute development message to millions of people in a such a way that they are received and understood, accepted and applied. ठीक है. इस तरीके से वो मैसेज, पहले तो मैसेज बनाना है, प्रिपेयर, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. डेवलपमेंट मैसेज कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो उनको रिसीव भी करे, उसे समझे भी और उसे एक्सेप्ट कर उसे अप्लाई भी करे, उसको इंप्लीमेंट भी करे. If they accept this challenge, they will be able to get the people to identify themselves as a part of society. वो society का part उनको समझे and a nation. This identify will help in bringing human resource together for the total welfare of the individual and the community at a large. Let's see 4.2 development
कम्युनिकेशन यूजिंग वेरियस मीडिया. द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इन इंडिया कैन बी ट्रेस टू द रूरल रेडियो ब्रॉडकास्ट इन 1940s इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस. 1940s में ये रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया था जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोगों के साथ कम्युनिकेट किया जाता था, मतलब मास कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ में संबोधन किया जाता था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं. Have you ever heard a rural program on a radio? कभी भी rural program generally live we can see easily on the YouTube, ठीक है. तो ये मतलब rural areas में radio पे ये सारे live programs telecast किए जाते थे और वो लोग वहाँ से उन्हें सुनकर attend करते थे. If you come from a rural area, you probably would have heard. ठीक है, अगर rural area से हम लोग belong करते हैं तो हमें पता होता है कि मतलब वो लोग radio पे वो पूरा के पूरा live ऑडियो का बिजनेस में चलता था. पीपल हु प्रेजेंट दिस प्रोग्राम स्पीक इन अ लैंग्वेज और अ डायलेक्ट दैट द पीपल इन योर एरिया स्पीक, ठीक है. दिस प्रोग्राम मे बी अबाउट फार्मिंग एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स. द प्रोग्राम्स मे कंप्रेस ऑफ इंटरव्यूज विद एक्सपर्ट्स ऑफिशियल्स एंड फार्मर्स, फॉक सॉन्ग्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, मार्केट ट्रेंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स एंड इंप्लीमेंट्स. They would also be programs on related fields. अलग-अलग fields पे ये programs को organize किया जाता है with the experts, officials जो होते हैं, और जैसे कि for example farmers हो या फिर for मतलब weather के related कोई expert हो, तो उनसे फिर market rates पे, फिर availability of improved seeds के बारे में और इन सारी चीजों के बारे में experts के साथ discuss करना, जिसकी वजह से वो लोगों तक बात पहुंचे और accordingly वो उनके life में उसे इंप्लीमेंट करें, जिसकी वजह से उन्हें कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट हो. ड्यूरिंग द 1950s द गवर्नमेंट स्टार्टेड यूज डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री. 1950s से गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए थे, यूज डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, जिसमें इसको जो सोसाइटी है वो इंप्रूव करे थ्रू आउट द कंट्री. In fact, when Doordarshan started on 15 September, Doordarshan was started on 15 September 1959. It was concentrating only on programs on agriculture. Generally, पहले वो agriculture में ज़्यादा programs चला करते थे. Many of you might have seen the Krishi Darshan. ठीक है, हमने ये देखा होगा. Program on Doordarshan. ये कृषि दर्शन एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें डिस्कशन होता है और लोगों को बताया जाता है कि किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, कैसे सीड्स यूज करने चाहिए, कैसे फर्टिलिटी कितनी अच्छी, कैसी मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती है दूरदर्शन. लेटर इन 1975 व्हेन इंडिया यूज्ड सैटेलाइट्स फॉर टेलीकास्टिंग टेलीविजन प्रोग्राम्स इन व्हाट इज नोन एज साइट, SITE, जिससे सैटेलाइट इंस्ट्रक्टेड टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कहते हैं. The programs on education start with development were made available 2400 villages in the states of Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka and Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan. इन सारे states में ये सारे programs start किए गए around 2400 villages में, जिसमें इन लोगों को बताया जाता था. As far as the print media is concerned, after independence, when the 5-year plans were initiated by the government for plan development, it was the newspaper. ठीक है, जब 5-year plan initiate हुआ by the government, तो for plan development, development के plan के लिए, it was the newspaper, वो एक newspaper, which gave a great importance to the development themes. They wrote on various government development programs and how the people could make use of them. और किस तरीके से लोग उसका use भी कर सकते हैं. उसके बाद था, in the print media have contributed to the development communication. The electronic media, जैसे कि radio, television, specially All India Radio and Doordarshan have spread message on development. इन लोगों ने भी messages spread किए हैं. और डेवलपमेंट एज द मेन पार्ट ऑफ देयर ब्रॉडकास्ट, और मेन पार्ट ही था ब्रॉडकास्टिंग करने का कि किसी न किसी तरीके से डेवलपमेंट हो, ऐसे सारे एक्टिविटीज ही उसमें, ऐसे सारे प्रोग्राम्स ही प्रेजेंट किए जाते थे. हाउएवर अमंग ऑल मीडिया दैट आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल मीडिया आर द क्लोजेस्ट द पीपल हु नीड मैसेज ऑफ डेवलपमेंट, लाइक द फार्मर और वर्कर. इन लोगों को सबसे ज्यादा न्यूज की जरूरत पड़ती थी. सच फॉर्म्स ऑफ मीडिया आर पैशनेटली एंड इफेक्टिव.
सबसे ज्यादा न्यूज फार्मर्स और वर्कर्स जो होते थे उनको ज्यादा जरूरत पड़ती थी, ठीक है, मैसेजेस की। तो उनको ये फार्मर्स जो थे, जैसे मैंने बताया कि उन लोगों को कैसे सीड्स यूज करना है, वो सीड्स के अच्छी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, कैसे उनको क्रॉप्स को ज्यादा कर सकते हैं प्रोडक्शन, ये सारी चीजें उनको बताई जाती थी थ्रू दिस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। यू मे हैव सीन अ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स cooking their meal for the dal and rice over the open fires in front of their tents set up temporarily on the roadside. Roadside पे जब भी construction workers होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनका खाना वगैरह बनाते हैं open में, दाल and rice, ठीक है, fire करकर नीचे near to their tents. तो वो temporary basis पर जो होता है roadside पे, they need to be educated about the values of balance of nutrition. उन लोग को ये चीज बतानी चाहिए कि न्यूट्रिशन की बैलेंस किस तरीके से करें, क्लीनिनेस किस तरीके से रखें, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करें, एंड वाटर एंड सैनिटाइजेशन किस तरीके से करें, ठीक है। ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है फॉर द गुड हेल्थ। सैनिटाइजेशन होना, वाटर को प्रॉपर मेंटेन करना, यानी अच्छा नीट एंड क्लीन रखना। हैव यू वंडर्ड हाउ मैसेज ऑन सच इश्यूज आर कम्युनिकेटेड, किस तरीके से ये मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किए जाते हैं लोगों के साथ। लेट्स सी। In various parts of India, group of volunteers use street theaters as a medium for the development communication. Generally, बहुत सारे part में क्या होता है, बहुत सारे अलग-अलग areas में street theaters चलते हैं, ठीक है? Street plays जो होते हैं, जहाँ पे a group of people get together और वो लोग एक अच्छे से ऐसा drama prepare करते हैं, और वो ऐसे areas में जैसे एक गांव है उसके बीचों बीच चौराहे पे जाकर वो परफॉर्म करते हैं और उस चीज के बारे में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। दिस इज डन थ्रू ह्यूमोरियस स्क्रिप्ट्स एंड प्लेस थ्रू विच द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी, मतलब पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में इंपॉर्टेंस बताए जाते थे, हाइजीन के बारे में इंपॉर्टेंस बता देते थे, ठीक है, आर इनेक्टेड। इस तरह से ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठा होते थे और स्क्रिप्ट बनाते थे और वो परफॉर्म करते थे लोगों के सामने और उनको इन सारी चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस बताते थे। The content of for the skits is drawn from the audience life. ठीक है। For example, they are told about balanced nutrition. Nutrition को balance में rice बारे में बताया जाता है। This means supplementing their typical diet of dal and rice with the green leafy vegetables known to cure night blindness and alignment common among construction workers. तो ये construction workers जो होते थे road side पर, उन लोग को भी इस चीज के बारे में, सारी चीजों के बारे में information दी जाती थी। इस तरीके के एक्ट्स वगैरह करकर के इस तरीके से वो लोग हाइजीनिक रह सकते हैं, अच्छा खाना भी खा सकते हैं और अपना हेल्थ भी अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू रीड एंड राइट, और फीमेल जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होती थी उनको भी और उनके बच्चों को भी ये बताया जाता था कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है, रीड और राइट करना, बेसिक नॉलेज, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना। However, problems in communicating a message in an effective way has been a matter of concern. ठीक है, तो इन लोगों को तक अपनी बात पहुंचाना ये effective way में has been a better concern of development. तो ये एक important part था कि इन workers तक ये सारी बात अपनी पहुंचाना। How can people be taught new skills at a low cost? Low cost पे इन लोग को नई नई चीजें किस तरीके से बताना, उनको कैसे ये सारी skills बताना, ठीक है। What would be the good way to deal with a sensitive topic such as health issue? अब इन लोगों के साथ health issue के ऊपर discuss करना एक sensitive topic रहता है, तो किस better तरीके से इनके साथ बात की जाए? How can complicated new research like that in agriculture, for example, be simplified so that ordinary people can benefit it? ठीक है, मतलब उनको भी वो language समझ में आनी चाहिए, accordingly उनके साथ ये complications रह जाएंगे अगर हमारी language अगर उन तक नहीं पहुंच रही है, हमारे वर्डिंग्स अगर उनके हिसाब से नहीं होंगे तो उनको हमारी बात हम लोग अच्छे से नहीं रख पाएंगे। इन एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, बी सिंप्लीफाइड सो दैट ऑर्डिनरी पीपल कैन बी बेनिफिटेड। वो इतना सिंपल वे में समझाना पड़ेगा कि नॉर्मल पीपल भी उसको इजीली समझ पाए। वन ऑप्शन हैज बीन द यूज ऑफ कॉमिक, एक ऑप्शन था कि कॉमिक्स यूज करके उनको समझाया जाए, बट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट द कॉमिक्स should be created locally. ये generally locally ही use हो सकते थे. But what are comics? Comics क्या है? You must have all at a point of time read a comics. ठीक है. Comics involves storytelling using visual, which must follow local ideas and culture in order to be understood correctly by the people. तो comics visually हम लोगों को चीजें बता रहे होते हैं और वो story भी बता रहे होते हैं जो
उनकी लोकली जो लोग होते हैं उनको आप लोग उनके कल्चर के साथ साथ इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टैंड करेक्टली और उन लोग को सही तरीके से उनके तरीके से हम लोग को बताएं तो उन्हें इजीली समझ में आएगा, उनकी लैंग्वेज में उनके वर्ड्स यूज करके हम लोग उन्हें वो चीज समझाएं तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा। द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कॉमिक इज दैट दे आर मेड बाय द पीपल, वो जनरली लोगों से ही बनता है कॉमिक्स ऑन देयर ओन इश्यूज, उनके खुद के इश्यूज पे इन देयर ओन लैंग्वेज, उनके खुद की लैंग्वेज में, सो रीडर फाइंड देम क्लोजर टू द डे टू डे लाइफ। सो रीडर जो भी होगा, जो भी उसको पढ़ रहा होगा, वो उसको इजी खुद का समझेगा, अपना समझकर वो पढ़ेगा, सो वो इजीली उनको समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द रिमोट एरियाज ऑफ झारखंड, जनरली ऐसे एरियाज में जहां पर बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड हो, रिमोट एरियाज जैसे कि झारखंड, राजस्थान, तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द रूरल कम्युनिकेटर्स, तो उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना रूरल कम्युनिकेटर्स जो है, टू इनेबल देम टू यूज कॉमिक्स, उनको भी बताना कि कॉमिक्स का इंपॉर्टेंस इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट लानी हो कम्युनिकेशन वाले पार्ट में, तो इंफॉर्मेशन ऑन सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज सच एज एचआईवी एड्स हैज बीन कम्युनिकेटेड थ्रू द मीडियम ऑफ कॉमिक्स इन सर्वल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स में एचआईवी और एड्स जैसे भी चीजों को उनको समझाया गया है, हेल्थ इश्यूज, सेंसिटिव हेल्थ इश्यूज को कॉमिक यूज करना, मीडियम ऑफ कॉमिक थ्रू उनको ये सारी चीजें समझाई गई है। हाउएवर यू मस्ट अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यूजिंग वेरियस मीडिया इज पॉसिबल ओनली विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बोले तो डेवलपमेंट एजेंसी लाइक डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, फिर है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो, कंसर्न सिटीजन जो होते हैं वो, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो होते हैं उन लोग को ये सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट डेवलपमेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉलंटरी ग्रुप्स, कंसर्न सिटीजन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एनजीओ कैन नॉट इग्नोर, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक्चुअली दिस ग्रुप्स हेल्प द गवर्नमेंट, ये जनरली ये ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे होते हैं, एनजीओ जो होते हैं वो, इन इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऑफकोर्स दिस गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के दोनों ही सेंट्रली हो या स्टेट हो उन दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, रीच आउट टू द पीपल ऑन वेरियस इश्यूज, लोगों के तक पहुंचना और उनको उनकी बात समझाना। The NGOs undertake studies. NGOs जो होते हैं वो उस पर studies करते हैं, conduct research, research भी करते हैं, and develop appropriate message, और एक proper message को develop करकर उसको spread करते हैं, spreading awareness on various issues pertaining to the development. Development को रोकती हुई कुछ ऐसी issues को वो लोग उनके सामने रखते हैं, वैसे सारे facts उनको बताते हैं, ठीक है, रिसर्च कर उनके सामने हर एक चीज को प्रेजेंट करते हैं जिसकी वजह से उनको इन सारी चीजों के बारे में इंपॉर्टेंस पता चलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे 4.3 कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, यू मस्ट नो दैट द बेसिक पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, हमें बेसिक पर्पस पता चलेगा डेवलपमेंट का, इज टू एनलार्ज पीपल्स चॉइस एंड क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द पीपल टू एंजॉय लॉन्ग, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे जिसमें लोग एंजॉय कर सके, हेल्दी रह सके एंड क्रिएट क्रिएटिव लीव्स, ठीक है। सम एज अ लिस्ट ऑफ द कोर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, कौन से कौन से एरियाज में डेवलपमेंट करनी चाहिए या होनी चाहिए, सो इट्स फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, फूड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में, इरीगेशन वाले पार्ट में, पब्लिक वर्कर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात में, एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इनकम जनरेशन एक्टिविटीज ऐसी उसमें भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन वाले पार्ट में, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, नाउडेज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, फिर फैमिली वेलफेयर, ये सारे के सारे पार्ट में हम लोग लोगों को अवेयर करना, इस चीज़ के बारे में इंपॉर्टेंस बताना और इसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर उन्हें इस चीज़ के इंपॉर्टेंस बताकर उनके पास से इम्प्लीमेंट करना। इफ यू आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन यू नीड एक्सपर्ट गाइडेंस, ठीक है, हमें एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस की, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्म पीपल, यू मे सी दैट एक्सपर्टीज फ्रॉम द पीपल, जैसे कि एग्रीकल्चर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे लोग मतलब सारे फार्मर्स को वो लोग एजुकेट कर सके, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स ऐसे होने चाहिए, स्टेट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में भी हम लोग ये सारी चीज़ें चला सकते हैं, वो अवेयर कर सकते हैं, स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होना चाहिए, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, पोल्ट्री फार्म्स,
run by governments, Krishi Bhavans and model farms, community development blocks, primary health centers, राइट उसको अच्छे से उन लोग को भी हम लोग अवेयर कर सकते हैं. एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए. गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड बैंकिंग एजेंसीज, लोकल एनजीओज जो पे हैं, फिर सेरिकल्चर फार्म्स, सारे के सारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, एक्सपर्टीज ये सब जगह पे जरूरत पड़ती है. ये सारे के एक्सपर्टीज जो होते हैं वो इन सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वर्कआउट कर सकते हैं और इनको अवेयर करवा सकते हैं. डेवलपमेंट कैंपेन्स, यू मे बी फेमिलियर विद द टर्म इलेक्शन कैंपेन. ड्यूरिंग इलेक्शन वी यूज कम्युनिकेशन टू चेंज द वे पीपल वोट. हम लोग कम्युनिकेशन वो इलेक्शन के टाइम लोगों को लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, कैंपेन्स हमने देखे हैं जिसमें क्या हो रहा है, टू चेंज द वे पीपल वोट. पीपल जिस तरीके से वोट कर रहे हैं उसका वे चेंज करना, फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर और फ्रॉम वन कैंडिडेट टू अनदर. जिसको वो वोट करते हैं उसको चेंज करके वो किसी और को करे, ऐसा हम लोग मतलब किसी न किसी तरीके से जो भी जाएगा वो उसको ऐसा अपील करेगा. फॉर दिस वी यूज पब्लिक मीटिंग्स, इसमें पब्लिक मीटिंग्स होते हैं. ठीक है, प्रिंट मटेरियल, एडवर्टाइजिंग ऑन रेडियो एंड टेलीविजन एक्सेट्रा. द कैंपेन्स किक्स ऑफ बिफोर द इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है, कैंपेन स्टार्ट होते हैं जैसे इलेक्शन को प्रोसेस को स्टार्ट होते हैं, वैसे कैंपेन भी स्टार्ट हो जाते हैं. और जैसे इलेक्शन खत्म होता है वैसे अनाउंस रिजल्ट आ जाता है, वैसे ये खत्म भी हो जाता है. इट्स पर्पस टू सी दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल वोट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी. मतलब हर एक इंसान को इन चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझाना और उसे हमारे पार्टी में वो वोट करे ऐसा उसको बताना. ठीक है, उसको अपील करना. सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन वी मे यूज द प्रिंट मीडिया. ठीक है, बहुत सारा प्रिंट मीडिया भी वो यूज करते हैं, रेडियो टेलीविजन भी यूज करते हैं. समटाइम्स दे आर टाइम बाउंड प्रोग्राम्स फॉर अ सर्टेन पीरियड. लेट अस काउंट एन एग्जाम्पल. पर्टिकुलर संडे इन अ मंथ इज आइडेंटिफाइड टू द पोलियो इमिनेशन. जैसे कि पोलियो का जो आता है, ठीक है, पूरे मंथ में एक बार संडे को वो प्लान करते हैं. There are also weekly, fortnightly and monthly campaigns. इसके weekly, fortnightly और monthly campaigns भी होते रहते हैं. ठीक है, और development teams. Let us take another example of the सर्व शिक्षा अभियान, education for all in our country. ये चल रहा है. ठीक है, this is an effort to provide useful and relevant elementary education for all the children in the age of 6 to 16. ठीक है, इन सभी को education मिले. By 2010 से ये चल रहा है with the active participation of the community के different different members इकट्ठा होकर ये लोग क्या करते हैं, लोगों को मतलब इस एज के बच्चों को स्टडीज देते हैं free of cost in the management of a schools. People interested in a development communication should understand their audience, reader, listener or viewers जो है उनको समझना, उनको जानना और उसको accordingly guide करें. ठीक है, development communication they should also know the needs of their audience. उनको पता होना चाहिए कि उनके audience की need क्या है, so that whatever medium is used, जिस भी तरीके का medium use करना हो, the message are relevant. तो उन लोगों के लिए message relevant रहे. ठीक है, the message they have to be passed or in the most attractive manner. The need for development communication continues since a large population of India lives in the rural areas and they need government support. सभी को गवर्नमेंट के सपोर्ट का भी जरूरत पड़ती है. ठीक है, the need for the development communication continues since large population. ये लार्ज पॉपुलेशन है तब से मतलब जरूरत पड़ती है इसकी. ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है कि उनको हर एक चीज से अपडेटेड रखना है. दे नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. उन सभी को गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत है. देयरफॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिमेन्स हाईली सिग्निफिकेंट. न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन are held in the villages to disseminate information. Participation of a local community is also encouraged. Participation of local community जो होती है उनको भी encourage करना चाहिए कि इन सारी activities में वो part ले. Okay, so here we have completed this chapter also. So this is all about communication, development campaigns 4.4.